उसको इतना
बोलना चाहिए और इस सखी मंडल के महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ये मेरा अपना बेटी का पिता है। आज हम इस जो दिन से हम आज कर रहे हैं कार्यक्रम, शायद यहाँ भी और हमसे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी आपका कदर उठाना चाहिए, अपना सम्मान को बीच में देना चाहिए। और हमारे नीतू सिंह जी भी आए हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, देव स्थान के बधाई देते हैं। इसलिए हम आपको से कहना चाहते हैं और आपका जो आपको इस सखी मंडल से बना जितना सरकार पैसा दे रहा हमको रखा उतना उचित 12 को 15 को पता नहीं चुकते हैं, उतना पैसा से पूंजी नहीं हो पाएगा, सरकार को वैसे उपलब्ध करना चाहिए। आपको का मांग अभी कल सरकार का सदन चलेगा, सरकार के सदन इस मामला को उठाने का काम करेंगे। यदि आप समाप्त महिलाओं का समाप्त करना चाहते हैं तो इतना कम पैसा जो बिजनेस में जो जितना होता तो और पैसा बिजनेस में आप वापस करने का काम करें, ये बात अगर के बात रखने का काम करेंगे। और जो हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अभी दो तीन को और मेला को उद्घाटन करना है, इसलिए हम दार हैं जो सरकार का संवाद है उसको सुनने के काम करते हैं और आपका जो सम्मान होगा उस सरकार से ले जाने का काम करेंगे। हम यहाँ आए हम आपको कभी आज महिलाओं का बहुत कम पैसा में सखी मंडल के नाम से बिजनेस करने के लिए कितना कम पैसा कैसे बिजनेस होगा, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इनके बेसिक पैसा मिले और जैसे आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं बेसिक पैसा से बिजनेस करा रहे, ये हम कहना चाहेंगे सरकार से। लेकिन हम निश्चित तौर पर आप लोग के बीच क्षमा मांगते हैं कि हमारा दो मेला को उद्घाटन करना है, बेटा मेला धर्म मेला को करना चाहिए, इस आपसे छुट्टी मांग के जा रहे हैं। विशेष तौर पर आप लोग किसी तरह का कोई भी काम होगा जैसे नाम मात्र और ये काम तैयार रहता है, चाहे सखी मंडल हो चाहे गांव का हो, कोई भी काम करके हम तैयार होते हर समय तैयार से आपका समझ करेंगे। महिलाओं को आगे बढ़ने के हर काम करता रहेंगे। और जो आज बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, इस काम के अंदर निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे हम दूसरी में कुछ बोल किए थे तो शायद बुरा लगेगा, लेकिन हम सच्चाई बात बोल रहे थे। जब तक आज महिला पुरुष मिलकर यदि काम नहीं करेगा तो घर नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, पढ़ाई लिखाई में महंगाई हो गया, बच्चों को हम बिना मीडिया से नहीं पढ़ा पाए जितना पैसा लगता है, पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे। आज जो डीबी सी कॉलेज में रहता है दूसरा कॉलेज में रहता है दिक्कत नहीं है, लेकिन गाँव के महिला रहती है बिजली का रेट बढ़ गया है, पढ़ाई बढ़िया वीडियो साहब, सीओ साहब ने मुख्यमंत्री सरकार की मदद किया
ये लोग काला चला जाके घूम रहे हैं काम में, सोचा है ना एक लोटा पानी लेके जा, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूले।